हत्या के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पूर्व बसपा विधायक का आरोप लगाया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले साल सितंबर में खला पुलिस थाने के तहत भाजपा कार्यकर्ता को मारने की साजिश रचने के आरोप में अमरपाल शर्मा को जेल भेज दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार एक हत्याकांड में आरोपी साहिबाबाद अमरपाल शर्मा की बहुजन समाज पार्टी के पूर्व की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि श्री शर्मा को पिछले साल सितंबर में खांडा पुलिस स्टेशन के तहत भाजपा कार्यकर्ता को मारने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिला प्रशासन ने जिला पुलिस प्रमुख की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को श्री शर्मा पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया था। जिला पुलिस प्रमुख हेचैन सिंह ने कहा कि पुलिस ने एनएसए के तहत श्री शर्मा को बताने के लिए अपनी रिपोर्ट भेज दी है, क्योंकि यह संदेह था कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं। श्री सिंह के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ऋतु माहेश्वरी ने श्री शर्मा को एनएसएसए को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए लागू करने की रिपोर्ट भेजी है। इसके बाद रिपोर्ट उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड इलाहाबाद में भेजी जाएगी और बोर्ड की सहमति के बाद एनएसए को लागू किया जाएगा। श्री शर्मा के परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने कहा कि वे सरकार उच्च न्यायालय सलाहकार बोर्ड के सामने एनएसए को चुनौती देंगे और इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत की मांग करेंगे। एनएसए की पुष्टि होने पर श्री शर्मा को एक साल के लिए जेल में रहना होगा, अधिकारियों ने कहा। श्री शर्मा ने 18 अक्टूबर को एक जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें भाजपा नेता गजेंद्र भाटी की हत्या के मामले में 2 सितंबर को दो सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की थी। घटना में एक और भाजपा के स्थानीय अधिकारी बलबीर चौहान घायल हो गए। हत्या के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने नरेंद्र गुर्जर उर्फ फौजी और राजू पहलवान को गिरफ्तार किया था। दोनों ने पुलिस को बताया कि शर्मा ने उन्हें रुपए का अनुबंध दिया था और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गजेंद्र भाटी को खत्म करने के लिए 10 लाख